फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पीच बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का तिरंगा ढोकला। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाले नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने तीन बाउल ले लिया है, तीनों बाउलों में हाफ हाफ कप सूजी ऐड करेंगे। तिरंगा ढोकला बनाने के लिए हमें तीन कलर चाहिए। व्हाइट कलर के लिए सूजी में दही मिक्स करेंगे। हाफ कप फेटा हुआ दही ले लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक मिक्स कर लेंगे, एक साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल लेंगे। हरे रंग के लिए यहाँ पे मैंने पालक का प्यूरी लिया है, हाफ कप नमक डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे, इसको भी एक साइड में रख लेंगे। तीसरा बाउल लेंगे। ऑरेंज कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाजर का प्यूरी लिया है, मिक्स करेंगे, ज़रूरत होगा तो और ऐड कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक, बाकी का प्यूरी भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। तीनों बाउल में तीन कलर का मिश्रण तैयार कर लिया है, ढककर 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, बैटर को ढककर रखे हुए चेक कर लेते हैं। सफ़ेद वाला ऑरेंज वाला एक साइड में रख लेंगे। सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हाफ टी स्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नींबू का जूस मिक्स करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे। ढोकला में कढ़ाई में स्टीम करूँगी तो कढ़ाई रख लेंगे गैस के ऊपर। 1 से 1.5 गिलास पानी रख लेंगे, उबाल आने देंगे। ढोकला स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया है। केक टिन में ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ अच्छे से, साइड में रख लेते हैं टिन को। पानी में अच्छे से उबाल आने लग गया है। बैटर में 1/2 टीस्पून इनो पाउडर मिला लेंगे। इनो पाउडर मिक्स कर लिया है। ऑयल लगे टिन में रख लेंगे। एक स्टैंड ले लिया है, कढ़ाई में रख लेंगे। ढोकला वाला बर्तन रखेंगे। पानी के लेवल का हमें ध्यान रखना है कि ढोकला वाले बर्तन के ऊपर ना आए। ढक्कन लगा देंगे, 3 से 4 मिनट स्टीम होने देंगे। जब तक हमारा हरा वाला लेयर स्टीम होता है, वाइट वाला मिश्रण तैयार कर लेंगे। 1/2 टीस्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का जूस, 1 टीस्पून ऑयल, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। हरा वाला लेयर चेक कर लेते हैं। हरा वाला लेयर थोड़ा सा स्टीम हो चुका है। सफ़ेद वाले मिश्रण में भी इनो पाउडर मिक्स कर लिया है, हरे वाले लेयर के ऊपर डालेंगे, इक्वल करते जाएंगे। ढक्कन लगा देंगे, 3 से 4 मिनट स्टीम होने देंगे। ढोकला चेक कर लेते हैं। वाइट वाला लेयर भी हल्का स्टीम हो चुका है, इसके ऊपर से ऑरेंज वाला लेयर डाल लेंगे, इक्वल करते जाएंगे। ऑरेंज वाले मिश्रण में भी सारी चीज़ों को मैंने पहले से मिक्स कर लिया था, इक्वल कर लेंगे। ऑरेंज कलर का मिश्रण भी रख लिया है। पानी कम हो रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे। अब हमें 20 मिनट स्टीम करना है ढोकला को। ढोकला को स्टीम करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चाकू लिया है, ढोकला के बीचों बीच डाल के देखेंगे। चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है तो ढोकला हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे, टिन को बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है, एक चाकू ले लेंगे। चाकू से ढोकला के साइडें छुरा लेंगे। एक प्लेट ले लिया है, टिन के ऊपर रखेंगे। ऐसे प्लेट लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे, बड़ी आसानी से निकल गया ढोकला। आप देख सकते हैं ढोकला हमारा बहुत ही स्पॉन्जी बना है। पलट लेंगे ढोकला को।
ढोकला में कट लगा लेते हैं। पीसेज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। बीच से कट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना अच्छा और स्पॉन्जी बना है। तड़का लगा लेते हैं ढोकला के ऊपर। गैस ऑन करेंगे, छोटा सा पैन रखेंगे गरम होने के लिए। पैन हमारा गरम हो चुका है, 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे, 1 पिंच हींग, 3 से 4 हरी मिर्च लंबाई में कट की हुई, 1 टीस्पून काली सरसों, 8 से 10 कड़ी पत्ता भून लेंगे। माचिस की तीली जैसे कट किया हुआ थोड़ा सा अदरक। तड़का बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ कर लेंगे। ढोकला के ऊपर से तड़का डाल लेंगे। हमारा सूजी का तिरंगा ढोकला बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस तरीके से तिरंगा ढोकला ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।